Brought to you by My 11 Circle. Play with champions. Download the app now. 3 विकेट पर 289 रन बना चुकी है टीम इंडिया। पहली पारी में अभी भी 191 रन पीछे है टीम इंडिया। जैसी पिच है, जैसी कंडीशंस हैं और जिस तरह की तकनीक वाले बल्लेबाज हैं, पता सबको था कि बारी आने पर टीम इंडिया को भी रन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वो तो रोहित शर्मा पछता रहे होंगे कि अपना विकेट उन्होंने ऐसी गेंद पर गवा दिया जिस पर ड्राइव के जरिए आसानी से 4 रन मिल सकते थे। इस गेंद पर उनका शिकार करना उन्हें मन की किस्मत में लिखा था, उन्होंने कर डाला। अहमदाबाद की स्पीच पर टेम्परमेंट और टेक्निक का शानदार संगम दिखाया शुभमन ने। बैकफुट पंच से लेकर उनके ड्राइव से पूरा मैदान गुलजार हो रहा था। जानते वो भी थे कि जमे रहे तो सैकड़े का सपना आसानी से पूरा हो जाएगा। वो एक छोर को संभाले रहे, रन बनाते रहे और टी से पहले ही उन्होंने अपना शतक पूरा कर लिया। दूसरे छोर पर चेतेश्वर पुजारा भी ऑस्ट्रेलियन फिरकी का बखूबी जवाब दे रहे थे, लेकिन मर्फी की एक गेंद को पढ़ने में वो चूक गए और टी से ठीक पहले 42 रन पर पवेलियन लौट गए। पुजारा गए तो शुभमन ने विराट कोहली के साथ मिलकर रनों के पहाड़ पर चढ़ते रहने की जिम्मेदारी आगे बढ़ाई। आखिरकार शुभमन की 128 रन की पारी पर लगाम कसी नेथन लायन ने। दूसरे छोर पर विराट हाफ सेंचुरी जमा चुके हैं और मजबूत इरादों के साथ मिशन 500 को पूरा करने में अपना किरदार निभाना जोर शोर से शुरू कर चुके हैं। माना कि पहला पड़ाव अभी 191 रन दूर है, लेकिन चौथे दिन विराट से लंबी पारी खेलने की उम्मीदें परवान चढ़ रही हैं, क्योंकि टीम इंडिया को इन्हीं उम्मीदों के बूते ऑस्ट्रेलिया पर बढ़त भी बनानी है। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स द कैप।